Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to a brand new video. It's your Ashmita here and you are watching Ashmita's Creative Diary. So first of all, good evening to all of you who are watching my video right now. And अभी मैं फिलहाल पढ़ने बैठ गई हूँ इवनिंग के टाइम बिकॉज मॉर्निंग को थोड़ा काम था एंड इसी वजह से मॉर्निंग पे कोई स्टडी शेड्यूल नहीं हो पाया है. अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड अभी मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई को लेके. सो फर्स्ट मैं जो आज चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस की इंडिया वाली बुक से एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. सो उसी चैप्टर को मैं अभी रीड आउट करूँगी. हालांकि मैं अभी तो ये वाली चैप्टर ही रीड आउट करूँगी एंड इसको अगर कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाता है फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पकड़ लूँगी एंड होपफुली ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो इसको कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद हो सके तो इंग्लिश को रीड आउट करूँगी. सो लेट्स सी. आज शाम को इवनिंग स्नैक्स करने की टाइम ही नहीं मिली है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए जस्ट बिकॉज मैं सुबह कुछ मेरी खुद के काम के लिए बिजी थी एंड उसकी वजह से ना बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई थी, पढ़ने के लिए बैठ भी नहीं पाई थी एंड पढ़ी भी नहीं हूँ. इसीलिए शाम को बहुत जल्दी जल्दी बैठ गई हूँ ताकि मेरी जो मतलब मेरी जो भी चीज़ें रीड आउट करने के लिए बाकी है वो चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए एंड मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरी ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाए. मतलब कि मैं जो चीज़ें सोची हूँ कि मैं ये सारी चैप्टर्स को पढ़ूंगी, रीड आउट करूंगी, वो सारी चैप्टर्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मैं नहीं उठूंगी क्योंकि ये चीज़ ना अगर मेंटेन कर पाऊंगी ना फिर ही मेरी सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी जल्दी जल्दी, अदरवाइज नहीं कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा लेट होगा. अभी ना मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि कल से मैं जब भी पढ़ने बैठूंगी ना या तो सुबह या तो शाम किसी भी टाइम, अगर सुबह पढ़ पाई तो ठीक है लेकिन अगर नहीं पढ़ पाई फिर भी मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि आज मुझे किसी भी हाल में हो ये चीज़ें कंप्लीट करना ही है. सो उससे ना मेरी जो फ़ायदा ये होगा कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगी. एज़ यू कैन सी कि मैं अपनी पढ़ाई के बीच बीच में भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रही हूँ क्योंकि हाइड्रेटिंग योर बॉडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इसी तरीके से आप मस्ट ट्राई कीजिए कि आप जब पढ़ने बैठते हैं उस टाइम आपके सामने एक वाटर बॉटल लेके बैठने के लिए ताकि आप जब पढ़ते जाएं उसके बीच बीच में आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड होते जाए. आई नो कि आप में से कोई भी अगर वाटर बॉटल कैरी करने की हैबिट नहीं है उन लोग भूल सकते हैं लेकिन बिलीव मी अगर आप लोग इस चीज़ को एक बार हैबिट बना लेंगे ना आप लोग फर्दर और कभी भूलेंगे ही नहीं. सो आप लोग ट्राई कीजिए कि इस चीज़ को एकदम स्ट्रिक्टली एक हैबिट बनाने के लिए कि आप लोगों को अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ही है एंड आप लोगों को कभी भी कहीं भी जाना हो तो आपको वाटर बॉटल मस्ट कैरी भी करना है. ये बात मैं क्यों कह रही हूँ पता है, ये आदत मेरे अंदर भी पहले थी. मैं बिल्कुल भी पानी का बॉटल कैरी नहीं करती थी कभी भी नहीं, मतलब किसी भी जगह अगर जाऊंगी भी ना तब भी मैं कैरी नहीं करती थी एंड उसकी वजह से ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता था क्योंकि अगर आप लोग बाहर निकलेंगे ना उस टाइम पे आपको मन नहीं करेगा कि बाहर का पानी पियेंगे. सो इसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता था एंड अभी मैं एकदम स्ट्रिक्टली हैबिट बना चुकी हूँ कि मुझे पानी का बॉटल कैरी करना ही है एंड अभी मैं पानी का बॉटल जब से कैरी करती हूँ ना उस टाइम से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है. सो आप लोग भी इसको आदत बनाइए, होपफुली आपको बेनिफिट होगा. हेयर यू कैन सी कि मैं जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पढ़ रही थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी मैं 5 मिनट की एक ब्रेक ले लूँगी एंड उसके बाद मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो है इंग्लिश की द मदर एज 66. सो वो वाली चैप्टर ही मैं स्टार्ट करूँगी एंड उसके बाद और एक इंग्लिश की चैप्टर भी मैं पढ़ूँगी. चैप्टर्स रीड आउट करके कंप्लीट तो कर रही हूँ लेकिन इसके पीछे और भी टाइम लगने वाला है. क्यों? क्योंकि इसकी जो नोट्स है वो भी मुझे बनाना पड़ेगा एंड मेन सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो पूरी की पूरी एक दिन चला जाता है क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स की नोट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है
एंड इंग्लिश और हिंदी की नोट्स उतनी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा हो जाता है, मेन मेन पॉइंट से बस लिखना होता है। सो ये है डिफरेंस। लेकिन सबसे पहले मुझे जो करना है, मेरी जो स्कूल की क्लास वर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स है वो पूरी की पूरी इनकम्प्लीट है, अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। बस सामने का थोड़ा सा कम्प्लीट है लेकिन उसके बाद से ना इनकम्प्लीट है, उसको तो कम्प्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ स्कूल का भी रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसको पहले कम्प्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद मैं इन सारे चैप्टर्स की नोट्स बनाऊँगी। दो दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माइंडेड थी। एक्चुअली क्या है ना, इस साल बोर्ड है, ट्वेल्थ है, एंड इसके लिए क्या मार्क्स आएगा, कैसे मैं लिखूँगी आंसर्स, कैसे मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगी, सारे चैप्टर्स को टाइमली कंप्लीट करूँगी, सारी चीज़ों को लेके ना एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माइंडेड रहती हूँ हर एक चीज़ को लेके मैं। एंड जब ना माइंड ठीक नहीं रहता है, माइंड सेट नहीं रहता है, उस टाइम पे ना पढ़ने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। वट एवर इट इज़, एज यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड वन चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश विच इज़ माई मदर एट 66 एंड नाउ मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रही हूँ एंड उसके पहले मैं 2 मिनट्स की थोड़ा सा ब्रेक ले ली थी एंड अभी जो है अभी मैं सेकेंड चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, मतलब रीड आउट कर रही हूँ, जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये चैप्टर भी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, उतना भी टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते कब 9:30 हो गया है मुझे मालूम ही नहीं चला। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास ना ही कोई फ़ोन है और ना ही कोई वॉच है, मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ एंड जब मैं ब्रेक लेने के लिए उठी थी उस टाइम पे देखी कि 9:30 हो रहा है। सो डिनर करने का भी टाइम हो चुका है, आज बहुत ही जल्दी स्टडी कम्प्लीट हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, बस जितना बाकी है वो भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद मेरी जो काम है वो डिनर कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद सो जाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना भी है एंड खुद के पर्सनल कुछ काम है, उसकी वजह से काफ़ी जल्दी मुझे उठना पड़ेगा। काफ़ी लेट चल रही हूँ मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 to 5 से भी ज़्यादा चैप्टर्स मैं रीड आउट करके पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ लेकिन उसके अभी तक मैं नोट्स नहीं बना पाई हूँ एंड ना ही मैं उसको लेके, मतलब नोट्स लेके बैठी थी। सो उसके लिए एक अलग से सेपरेट डे बनाना पड़ेगा जिस दिन मैं पूरी की पूरी हर एक कंप्लीटेड चैप्टर्स की नोट्स बनाऊंगी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स को ना एक साथ लेके बैठूंगी तो कंप्लीट ही नहीं होगा, ना ही इधर होगा ना ही उधर होगा। सो इसके लिए एक सेपरेट डे बनाना पड़ेगा। राइट नाउ द टाइम इज़ 10:00 एंड मुझे अभी अपनी डिनर भी कंप्लीट करना पड़ेगा। सो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज डिनर पे है पूरी एंड चिकन, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है पूरी एंड चिकन। आप किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताना।